दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहते हो ताकि आपको अपने खर्चे के लिए बार बार अपने घर से पैसा न लेना पड़े, या फिर आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, वेल क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड भी हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा, या फिर आप ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हो लेकिन वहां से जितना पैसा आपको मिल रहा है उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, इन दो चीजों से पैसे कैसे कमा सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तो लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं उससे पैसे कमाऊं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं वो 100% साफ सुथरे हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है और पूरी तरह से लीगल है। और सबसे मेन बात कि इस वीडियो में मैं किसी कंपनी का प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं। उन तरीकों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनमें आप किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितने ही आपके दोस्त बन जाए, रिश्तेदार बन जाए, कितने ही आप टैलेंटेड बन जाओ, लेकिन शाम को तो भैया खाने के लिए रोटी चाहिए ना, और घर का खर्चा भी चलना चाहिए, कंट्री की इकोनॉमी को भी ऊपर लेके जाना है। तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अपने को पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ उनको आपको ठीक से जानना है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप ब्लेम करने लग जाओगे कि यार मेरी कमाई नहीं हो रही इसमें। इसलिए मुझे इस वीडियो में कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, केवल इस वीडियो को कुछ मिनट्स निकाल कर देख लीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देख लीजिए कौन सा पैसा लग रहा है, लेकिन उस चीज को समझिए। तो चलो मेन बात पर आते हैं। देखो, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला तरीका है एक्टिव इनकम और दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। अब ये एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? देखो, एक्टिव इनकम का मतलब है कि आपको पैसा तब तक ही मिलेगा जब तक आप उस काम को कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है और अगर उसकी एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है तो क्या उसको पैसा मिलेगा? उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि काम बंद तो पैसा बंद। और हम में से अधिकतर लोग इसी तरह के जॉब के पीछे लगे रहते हैं। हालांकि ये बात सही है कि आप जितना फिजिकल काम करोगे उतना आप हेल्दी रहोगे, फिजिकल प्रोडक्ट बना पाओगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस दिन आप बीमार हो गए, या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो गया, अब वो फिजिकल काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी इनकम तो गई ना, ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, पैसिव इनकम। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो किसी बंदे ने बहुत फिजिकल काम करके खूब पैसे इकट्ठे किए और फिर उन पैसों से 2 मंजिल का मकान बना दिया और फिर उसको किराए पर दे दिया। तो अब ये बताओ, अगर वो 10 दिन तक बीमार हो गया तो क्या उसकी इनकम कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि किराया तो आएगा ही। यही इस पैसिव इनकम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि पहले बंदा एक्टिव काम कर रहा था लेकिन अब उसने अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदल लिया। अब इस पैसिव इनकम का निगेटिव पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आप डायरेक्ट पैसिव इनकम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको पहले एक्टिव काम करना ही पड़ेगा। जिस बंदे का मकान का किराया आ जाना शुरू हुआ है उसने कभी ना कभी तो एक्टिव काम किया ही था ना, तो जो पैसिव इनकम की ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जब एक बार हो जाती है तो फिर बंदा बड़े आराम से रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपकी जब पैसिव इनकम आना चालू हो जाए तो आप एकदम घोड़े बेच के सो जाओ, क्योंकि जितना आप काम करोगे कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी उतना ही अच्छा है। लेकिन पैसिव इनकम से दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अगले महीने काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मैं तरीके अब आपको बताने वाला हूं उनमें से कुछ एक्टिव इनकम है, कुछ पैसिव इनकम है, दोनों को मिला करके मैं आपको बता रहा हूं। बात करते हैं यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब पे आप लोग नॉर्मली वीडियो देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो? वो कैसे? मान लीजिए आप अच्छे खासे वीडियो बनाते हो, आप में कॉमेडी का टैलेंट है, आप गाना अच्छा गाते हो, या फिर आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो क्या होता है, जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे, जब आपको अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे, तो आपको एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस का, वहां पर जाकर के आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो आपके वीडियोज है उन पे एड आना चालू हो जाएंगे। तो जितने आपके व्यूज आएंगे, जितने आपके एड्स आएंगे, उतनी ही आपको कमाई होगी। इसके लिए आप में कोई ऐसी खूबी होनी चाहिए जिस पर आप अनलिमिटेड वीडियोस बना सको। और वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना करके डाल दो, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, किसी की कॉपी कर लेंगे, किसी का वीडियो उठाया अपने चैनल पे डाल दिया, किसी की स्क्रिप्ट उठाई अपने चैनल पे डाल दी। भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पर आज आप हो वहीं पर रह जाओगे। जब तक आपके काम में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बनाओगे जो और कहीं पे नहीं मिल रहा, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई यूट्यूब से कितना कमा सकते हो। अब इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको मंथली सैलरी मिलेगी 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन जितना काम आप करोगे, जितने व्यूज आपके आएंगे, उसके हिसाब से आपको कमाई होगी। और अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानो पैसा काफी मिलेगा। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी की कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप गलती करोगे आपका पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब से अर्निंग एक तरह की पैसिव इनकम है। जब एक बार पैसे कमाना आप चालू कर दोगे तो उसके बाद में आप चाहे वीडियो डालो या ना डालो, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो आता रहेगा। देखो दोस्तों, कोई भी पैसा कमाने का तरीका जो होता है ना, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि यार घर बैठे पैसे कमाएंगे, फ्री में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत हर चीज में करनी पड़ती है। और ये कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है टैलेंट। आप में कोई एक खासियत होनी चाहिए, आप में वो दम होना चाहिए पहले अंदर, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो आप सोचिए समझिए बैठिए आराम से कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख करके बताइए अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको और कोई वीडियो चाहिए पैसे कमाने से रिलेटेड या फिर आप और कोई सजेशन देना चाहते हो जहां से आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं टैलेंट भी सही है पढ़ाई भी सही है हर चीजें सही है लेकिन इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के भाई आज के टाइम में काम नहीं चलने वाला ये कड़वा सत्य है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिए। थैंक यू।